हे गाइस, दिस इज़ अनुराग झान, यू आर वॉचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस के कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनः स्थापन चैप्टर नंबर 5 से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी आए हैं, इसीलिए इसको जो है एक जगह हमने संकलित किया है, तो इसको ध्यान से देखिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? ठीक है, संस्थापक नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जगजीवन राम। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पूछ रहा है, याद रखिए, मिस मत करिएगा। और सिर्फ कांग्रेस पूछे कांग्रेस के संस्थापक, तो ये वो ह्यूम होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके और भी पार्ट्स आएंगे। मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा एग्जाम तक। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है वो आपका राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, कभी कभी इसको INC के रूप में भी पूछ लेगा, तो कंफ्यूज मत करिए, इसका जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसका जो PDF है ना, मैं शाम तक जो है आपको अपलोड कर दूंगा, तो इसको जो है देख लेना। और PDF में मैं आंसर्स नहीं दूंगा आपके, ठीक है? तो वहाँ जो है आप लोग उस इस PDF को प्रैक्टिस सेट की तरह बनाइएगा। अगर आप लोगों को लगे कि मैं 60% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं, अगर उससे कम आ रहा है सही आंसर, तो आप लोग उसको निश्चित तौर से वीडियो को एक बार और देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का जो विभाजन है वो आपका 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाया? ठीक है, तो गरीबी हटाओ के नारे ने, आपको पता होगा कि ये जो गरीबी हटाओ जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, और यह कब दिया गया था? तो 1971 के मध्य अवधि चुनाव के दौरान दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया? तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों, इसका ऑडियो लेक्चर भी आएगा, तो वो ऑडियो लेक्चर निश्चित रूप से सुनिएगा, आराम से याद हो जाएगा। बस आप लोग, मैं जितना दे रहा हूँ ना चीज़ें, बस उसको आप लोग ध्यान से करते जाओ, देखो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, युवा तुर्क गुट का जो अग्रणी सदस्य कौन था? तो चंद्रशेखर जी थे। ठीक है, युवा तुर्क, ये याद रखिएगा, युवा तुर्क गुट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडिकेट प्रबंध से किसका संबंध था? तो सिंडिकेट प्रबंध से जो है आपका हो गया कांग्रेस के इंदिरा गांधी वरिष्ठ नेतागण। ठीक है, कांग्रेस के इंदिरा गांधी वरिष्ठ नेता, इंदिरा गांधी के जो विरोधी नेता थे, वरिष्ठ नेता, वो सब थे किसमें? सिंडिकेट प्रबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा सा गला खराब है सर्दी के कारण, तो थोड़ी सी समस्या हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में जो है, देखिए अब निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी, तो आपको देख लीजिए, यहाँ पे पार्टी अध्यक्ष कामराज ने। ठीक है, पार्टी अध्यक्ष किसने? पार्टी अध्यक्ष कामराज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? तो भारत में जो है आपको अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल? तो 356, यानी कि यह भी यहाँ पे हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से लगाया जाता, तो 356। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 1971 के आम सभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो 1971 के आम चुनाव में, तो आपको पता होगा कि 1971 का जो आम चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए।
नेक्स्ट है आपका 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। तो ग्रैंड अलायंस के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा कथन ठीक है, तो ये कथन देख लीजिए, इनके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक होगा यहाँ पे कार्यक्रम था, ठीक है। तो अस्पष्ट विचारधारात्मक कार्यक्रम, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है इनका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, ये भी नहीं होगा। इन देखिए अब ग्रैंड अलायंस का जो गठन है सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था, तो ये सही है आपका, ठीक है। कौन सा सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता हिंद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो कौन से नेता जो थे, माफ़ी ये हिंद यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। कौन से नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के सरकार में जो है उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और कुछ दिन प्रधानमंत्री भी रहे थे, है ना। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी जो है विश्व के मोरारजी देसाई ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक है। तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, अविश्वास प्रस्ताव, तो उसमें यही यहाँ पर जो है किसको दिया गया था सबसे कम, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है। इनको जो है अब देखिए मोरारजी देसाई के बारे में यहाँ पर दो तीन चीज़ जान लीजिए। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, इनको अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया गया था, ये उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। किसके शासनकाल में उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी जी ने कब दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तो 1971 के मध्यावधि चुनाव के दौरान दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कब बना। दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप लोग नीचे जाइए कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, राजनीतिक उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों। हम चाहेंगे कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और आप लोगों को जो है सभी जो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको जो है डील करवाया जाएगा एक एक करके, तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।